तो और भाई लोग कैसे हो, ठीक हो गए होपफुली। तो यार काफ़ी टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग सा चैलेंज किया जाए। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आर्केड खेलूँ और उसके अंदर हम कुछ इस तरह करें कि जो है आर्केड के अंदर मुझे सिर्फ चिकन डिनर लेना होगा। अगर मैं चिकन डिनर नहीं ले पाया तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर भी कोशिश करूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर आर्केड लगाया, ऑल वेपन्स आया और यहाँ पर हमें उतरना था जॉर्ज पोल। अब जैसे तैसे मैंने सोचा कि मैं वेयर हाउस की तरफ उतरूंगा, लेकिन भाई साहब वहाँ बहुत बंदे आ गए तो मैं कंटेनर्स की तरफ उतरा। अब यहाँ पर मेरे नेट ने भाई साहब दिखा दिया और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे ही मुझे नज़र आया मुझ पर फायर हो गया। अब यहाँ मुझे लगा कि मेरा गेम तो ख़त्म हो गया भाई, लेकिन भाई साहब वो बंदा किसी और को मार रहा था इसलिए मैं बच गया जैसे तैसे। अब यहाँ पर ये एक बंदा था जो ऑफलाइन था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैंने इससे लड़ने का फैसला नहीं किया, क्योंकि भाई साहब अभी मेरे पास कोई गन नहीं थी, भाई साहब कोई गन नहीं। अब यहाँ पर मैंने कवर ले लेकर जैसे तैसे मैं वेयर हाउस की तरफ पहुँचा, कि ये उम्मीद में कि यहाँ पर कोई नहीं होगा और एक गन या कुछ हीलिंग मिल ही जाएगी। और यहाँ पर भाई साहब मुझे 4x और वेस्ट मिला, लेकिन अभी भी भाई सुकून नहीं आया था। लेकिन फिर यूजी मिली और पेन किलर मिला, तो मैंने फ़ौरन से भाई साहब पेन किलर मारा और कहा कि अब बंदे बेलते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़ौरन पेन किलर मार लिया और इसी में मुझे आ गए फुटस्टेप्स। अब सामने की तरफ से फुटस्टेप्स आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए, और ये बंदा इधर ही खड़ा हुआ था। तो भाई साहब इस बंदे पे कोई गन नहीं थी तो ये मर गया, और इसके पीछे ही दूसरा बंदा आया और उसको भी मैंने पेल दिया। इन दोनों पे कोई लूट नहीं थी, लिटरल कुछ भी नहीं था इन दोनों के पास। अब यहाँ पर भाई साहब 20 बंदे अलाइव थे और 2 किल मेरे हो चुके थे। अभी भी मुझे पता नहीं था कि मैं चिकन डिनर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। जैसे तैसे मैंने सोचा क्यों ना मैं इन कंटेनर्स पे चढ़ूँ और थोड़ी लूट ले लूँ ताकि मुझे कोई लॉन्ग रेंज फायर गन मिल जाए। मगर भाई साहब यहाँ पर एक बंदा था जिसने मुझे देख लिया। अब यहाँ मैंने S12 के उठा ली और मैंने कहा कि इस बंदे को तो पेलना ही पेलना है। अब यहाँ पर थोड़ी देर मैंने इसको ऐसे स्पेक्टिएट किया कि यार ये क्या कर रहा है, और फिर मैंने अपनी पोजिशन चेंज कर ली। अब यहाँ पर भाई साहब मैंने ये पोजीशन चेंज की और ये मुझे पता नहीं था कि मेरे पास हेलमेट नहीं है। वॉइस ओवर करते वक्त मुझे पता चला कि मेरे पास कोई हेलमेट नहीं था। अब यहाँ पर भाई मैंने सोचा क्यों ना यार थोड़ा मतलब ऐसे भागा जाए और इसको पुश किया जाए। अब यहाँ पर मैंने पूरा इरादा कर लिया था कि इस पर मैं पुश करने वाला हूँ, लेकिन उसी में मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे पास कोई हेलमेट वेलमेट नहीं था सिवाय एक वेस्ट के। तो इसलिए मैंने ये प्लान कैंसिल कर दिया और कहा कि अब मैं रुक जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुक गया और इसके बाद जो है मैंने पीछे जाके इसको थोड़ा वो करने पोक करने की कोशिश की कि कोई और इसको मार दे, और फिर ये बंदा थोड़ा आगे भी गया। इसी के अंदर मुझे फायरिंग की आवाज़ आने लगी और थोड़े फुटस्टेप्स भी आने लगे, और मैं समझ गया कि इस बंदे पे या मेरे पे पुश होने वाला है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी देर अपने आप को सेव किया, और जब मुझे जब ये श्योर हो गया कि वो बंदा इस पे ही पुश करने वाला है तो मैं सेव हो गया और इस तरफ आ गया। इस तरफ भी मुझ पर थोड़ी गोलियाँ आई लेकिन मुझे कोई डैमेज नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पर मैं जोन आ गया। अब मैंने टाइमर देखा तो मुझे पता चला कि यार जोन आने वाला है, और फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय भागने के। अब यहाँ पर जैसे तैसे मैं भागा और फायरिंग की आवाज़ आने लगी। अब यहाँ पर 2 बंदे लड़ रहे थे तो मैंने अपनी यूजी निकाली और इस बंदे को पेल दिया, और फिर यहाँ से मैं निकला। क्योंकि उस बंदे के पास आला गन थी इसलिए मुझे कवर में से जाना पड़ा, तो मैं कंटेनर के कवर्स के थ्रू आगे बढ़ा। अब यहाँ पर मुझे लूट चाहिए थी उस बंदे की जैसे तैसे। उस बंदे पे M4 और AK थी, या M4 या DP थी, तो मैं M4 और DP थी तो मैंने उससे M4 और DP उठा ली। यहाँ पर M4 और DP उठा ली और कहा कि अब तो भाई साहब मैच अपने हाथ में, क्योंकि भाई साहब 6 बंदे ही अलाइव थे, सिर्फ 6। तो यहाँ पर जो है मैंने फ़ौरन से यार लूट उठाई अपनी और यहाँ से निकल लिया आगे की तरफ। अब यहाँ पर जोन रुक गया और मैंने अपनी M4 को रीलोड किया और यहाँ पे बैठ के हील वील किया। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि आगे की तरफ बंदा है तो फिर मैं पीछे की तरफ से जाऊँ, क्योंकि भाई साहब अगर मैं आगे से गया तो मैं पेल जाऊँगा, सीधा सीधा पेल देगा वो मुझे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं पीछे से जाऊँ, जो कि मेरा बहुत बुरा डिसीजन था। अब यहाँ पर मैंने DP VP रिलोड की, हील वील मारी और फिर पीछे की तरफ से जाने लगा, यही सोचते हुए कि कोई कुछ नहीं है वहाँ पे, कोई बंदा नहीं। अब मुझे यहाँ लाशें बिछी हुई दिखी भाई साहब, इतनी लाशें और ड्रॉप भी। अब मैंने कहा यार शायद कोई बंदा है नहीं, भाग गया, और इसी में आया मेरे पे तगड़ा वाला बैरल का स्प्रे। मैंने जैसे तैसे कवर लिया, उस बंदे ने मेरे पे पुश मार दिया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, उसके पास बैरल थी और मेरे पास M4, और भाई साहब बैरल वर्सेस M4, तो भाई साहब बैरल ही जीतेगी। और भाई साहब यहीं पे मेरा जो है गेम ख़त्म हो गया।
अब यहाँ पर भाई साहब मेरा गेम ख़त्म हो गया, और भाई साहब मैंने सोचा कि यार ये क्या हो गया, तो मैंने एक दूसरा मैच लगा लिया जिसमें मुझे स्कूल उतरना था। अब यहाँ पर मैं स्कूल उतर गया, स्कूल में भाई थोड़े बंदे आए थे इसलिए मैं स्कूल के कंपार्टमेंट में उतरा कि भाई साहब यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे भी दो तीन बंदे आ गए थे। अब यहाँ पर मैं उतरा, मैंने गन वन ली और फिर जो है थोड़े डैमेज मिला, लेकिन भाई मैंने गन ली। सामने की तरफ एक बंदा था जिस पे गन थी शायद थी, इसलिए मैंने फ़ौरन से भाई साहब अपनी यहाँ पे एक गन मिली इसको उठा लिया और कहा कि इस बंदे को पेलते हैं, मगर तब तक वो बंदा यहाँ से भाग चुका था। अब यहाँ पर जैसे तैसे भाई साहब मैंने गन वन मुझे मिल गई थी और 25 बंदे अलाइव थे, तो यहाँ पर मेरे मुझे ये मैच जीतना ही था। अब भाई साहब मैं अंदर गया, मैंने थोड़ी लूट वूट की, भाई साहब यहाँ पे मैंने थोड़ी लूट वूट की, और भाई साहब यहाँ कते ही M146A की बारिश लगी हुई थी, मतलब कोई अच्छी गन नहीं, सिर्फ M146A ही मिल रही थी। अब यहाँ पर मैंने बंदा, मुझे फुटस्टेप्स आ रहे थे लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो बंदा किधर है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा और नीचे गया ताकि मुझे कोई अच्छी गन मिल जाए यही होप में, मगर शॉर्ट गन के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब यहाँ पर मुझे एक हेलमेट मिला और मैंने S12 के उठा ली, थोड़ी देर बाद जो है मुझे S12 के मिली थी, और यहाँ पर मैंने S12 के को उठा लिया ताकि भाई साहब क्लोज रेंज में फ़ाइट हो तो S12 के बाप चलती है, इसलिए मैंने सोचा कि S12 के ही ले लेते हैं। अब भाई साहब यहाँ मुझे लेवल 3 का हेलमेट वेलमेट मिल गया, तो मैंने सोचा क्यों ना यार फ़ाइट ली जाए अब, क्योंकि भाई साहब अब मुझे फ़ाइट लेनी थी। तो भाई साहब अब मैंने सोचा कि यार फ़ाइट लेनी है तो यार नीचे चलते हैं, लेकिन भाई साहब फुटस्टेप आने लगे दो बंदों के। अब यहाँ पर मैं बाहर भी निकला था लेकिन जब मुझे दो बंदों के फुटस्टेप्स आए तो भाई मैं अंदर घुस गया, मैंने कहा यार मैं तो मर जाऊँगा। अब यहाँ 16 बंदे अलाइव थे, तो यार अभी भी मेरे पास एक होप थी कि हाँ यार चिकन डिनर हो जाएगा। मैं पीछे की तरफ से इस वाले घर में घुसा ताकि मुझे एक अच्छा एंगल मिल जाए बंदे पे, और यहाँ पर फिर मुझे एक ऑटो गन मिल जाए जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और मुझे बहुत ज़्यादा मदद करती। एंड एस थॉमसन में 50 बुलेट्स होती हैं, तो भाई साहब वो बहुत आला चलती है। अब यहाँ पर जो है मुझे कोई बंदा दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर इसके बाद मुझे फुटस्टेप्स आने लगे। अब यहाँ पर इस तरफ से मुझे फुटस्टेप्स आ रहे थे लेकिन मैं कंफ्यूज था। अब ऊपर जाके मैंने सोचा कि छत पे जाके उनको मारूं, मगर भाई साहब छत तो थी नहीं इस घर में, जो कि एक बुरी एक डिसएडवांटेज थी मेरे लिए, क्योंकि भाई साहब छत होती तो शायद वो बंदे मैं पेल देता। अब इस तरफ मुझे एक बंदा दिखा भागता हुआ, और भाई साहब मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मार दिया जाए, मगर भाई साहब थॉमसन मेरे से कंट्रोल नहीं हो सकी और ना ही उस बंदे को कोई गोली लगी। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल ही ये सोच में था कि यार अब बस क्लोज कम्बैट फाइट लेनी है और बस कैंप करना है, क्योंकि चिकन डिनर लेना था। इसी में मुझे एक बंदा दिखा, अब यहाँ पर मेरी हालत ख़राब हो गई, मैंने सोचा कि यार इस बंदे को तो मैंने जैसे तैसे मारना ही है। अब यहाँ पर मुझे वो बंदा दिख गया था और मैंने थॉमसन निकाली और बस उसको मारने ही लगा कि वो कवर के अंदर चला गया। अब यहाँ पर मैं इस खिड़की के पास आया लेकिन कोई अच्छा एंगल नहीं मिलते हुए मैं इधर ही रहा। अब इसी के अंदर मैंने एक बात नोटिस की कि एक और बंदा आ गया, मतलब दो दो बंदे एक साथ। तो भाई साहब मैंने यहाँ पे एक स्मोक फेंका ताकि मेरे लिए एक वॉल बन जाए अगर मैं नीचे जाने की कोशिश करूँ, लेकिन फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया, लेकिन मैंने स्मोक कर दिया था। इस स्मोक से वो बंदा काफ़ी हद तक कंफ्यूज भी हो गया, और अब बस 7 बंदे रहते थे, मतलब 6 इंक्लूडिंग मी 7। अब यहाँ पर मैंने अपना स्मोक ग्रेनेड फेंका और वो बंदा बाहर निकला, उस पर मैंने काफ़ी हद तक फायर किया और जब वो कवर में जाने लगा उसको बहुत गोलियाँ लगी, मगर भाई साहब वो बच गया। अब यहाँ पर मुझे उस बंदे को जैसे तैसे पेलना ही था, मुझे नहीं पता क्यों मुझे उस बंदे को पेलना था, तो मैं थोड़ी देर यहाँ रुका, मगर फिर मुझे जब अच्छा एंगल नहीं मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना नीचे कूदा जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दूसरी खिड़की से ज़्यादा अच्छा व्यू मिलेगा तो क्यों ना उस खिड़की से उस बंदे को मारा जाए। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी देर रुकना चाहा और फिर इसके बाद मैं दूसरी खिड़की में गया। अब यहाँ पर जैसे स्मोक ख़त्म हुआ मैंने सोचा कि यार अब तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा बच कैसे सकता है। तो मैंने भाई साहब अपना व्यू चेंज किया और इसी में मुझे एक दूसरा बंदा स्पॉट हो गया, एक दूसरा। इसको मैंने बहुत आसानी से पेलने का सोचा लेकिन भाई साहब इस बंदे ने मुझे ही पेल दिया। अब यहाँ पर मैंने गलती ये की कि मैंने पीक नहीं किया। तो हाँ यार आज के लिए
इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चिकन डिनर नहीं हुआ आई नो, लेकिन भाई साहब अगली वीडियो में कर लेंगे, आई होप सो प्रॉबली कर लेंगे अगली वीडियो में चिकन डिनर। और हाँ बस यार आज के लिए इतना ही, होपफुली वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया अपने कोलैब के बारे में, तो वो भी हम बहुत जल्द करने वाले हैं, और चैनल की लिंक मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक बात है कोलैब की, तो वो बहुत जल्द होने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।